सोते समय अपने बेड के आसपास या फिर बेडरूम में ये वस्तु को रखते हैं तो ये अच्छा नहीं माना गया। अगर आप भी सोते समय इन वस्तु को अपने बेडरूम में रखते हैं, ये वीडियो को देखने के बाद में उन चीज़ों को अवश्य हटा दीजिएगा, क्योंकि जहाँ पर आप पूरी रात सोते हैं, जिस बिस्तर में सोने के बाद आप अच्छे या बुरे सपना देखते हैं, उसके भी कुछ कारण हैं जो अभी हम आपको निवेदन करने जा रहे हैं। आप सब लोग प्यार से इस बात को अवश्य सुनिएगा। कहा गया कि बेड के नीचे जूते चप्पल रख कर के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि आप जूता चप्पल पहन करके हर जगह घूमते हैं। आप कौन से स्थान पर गए और वही जूता चप्पल लेकर के आप घर में आए, बेड के नीचे रखा है, तो ये नकारात्मक ऊर्जा जूता चप्पल के द्वारा भी घर में प्रवेश कर सकता है। इसलिए कभी भी बाहर जो जूता चप्पल आप पहन के गए, उस जूते चप्पल को आप बेड के नीचे रख करके बिल्कुल ना सोइएगा। और फिर कहा गया, अगर आप बेड के पास में शीशा को रखते हैं, ऐना रखते हैं, मिरर रखते हैं, या फिर आप बेड से उठते ही आपका चेहरा ऐना में दिखाई देता है, तो ये भी शुभ नहीं है, ये भी अति अच्छा नहीं माना गया। आप अपने बेडरूम में अगर ऐना रखते हैं तो थोड़ा ऐसे जगह में रखें, उठते ही आपका नज़र ना पड़े, क्योंकि उठते ही तुरंत अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। बेडरूम में भगवान का तस्वीर लगाइएगा, ताकि उठते ही आप भगवत दर्शन कर पाइए, अपना दर्शन अपना चेहरा उठते ही नहीं देखना चाहिए। आप कई लोग ऐसे होंगे जो सोने से पहले एक लोटा जल भर कर के अपने बेडरूम में जाते हैं और बेड के ऊपर सिराने के पास में जल को भर कर के रखते हैं, ये भी अच्छा नहीं है, ये करना भी उचित नहीं माना गया। बिस्तर के आस पास में जल रख कर के ना सोएं। अगर आपको रात में प्यास लगती है तो थोड़ा दूर ही जल रखिएगा, बिल्कुल पास में जल नहीं रखना चाहिए। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, खाते खाते नींद आती है, बहुत से लोगों का तो ये नियम है कि बेडरूम में ही बैठ कर के भोजन करना, बिस्तर में बैठ के खाना खाना, और खा लिए मुँह को धोया भी नहीं। ऐसे ही आप उस बर्तन को बेड के नीचे खिसका दिए और सो गए, और आप जिस बेड में सोते हैं वहीं जूठा करके आप सो गए, और उसके बाद में बर्तन को, जूठे बर्तन को बेड के नीचे रख दिया, तो रात में आपको कैसा सपना आएगा? फिर आप डर जाते हैं कि हमें अच्छा सपना नहीं आता, फिर सबसे पूछते हैं कि ऐसा गलत सपना आपको क्यों आता है, सपना देख करके स्वयं डर जाते हैं। ये जूठे बर्तन अगर आप रख कर के सोते हैं तो आपको अच्छा सपना आ ही नहीं सकता। फिर उसके बाद में आभूषण, कभी कभी सोते समय आपने इयररिंग खोल करके उतार करके सिराने के नीचे रख कर के सोते हैं, ये भी अच्छा नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो रिश्ते में खटास पैदा हो सकता है। कभी कभी पढ़ाई करते करते अपने पुस्तक को ऐसे ही खोल करके आप सो जाते हैं, बिस्तर में ही पुस्तक को फैला करके सो जाते हैं, ये करना भी अच्छा नहीं, ऐसा करने से माँ सरस्वती का अपमान होता है। अगर आप विद्या को चाहते हैं तो सरस्वती का अपमान बिल्कुल मत करिए। जब तक आपको पढ़ाई करना करिए, रात के जितने बजे तक आप पढ़ाई करते अपने मन लगा करके पढ़िए, और उसके बाद में पुस्तक को बंद करके व्यवस्थित जगह पर रख करके आप शयन करिएगा, अगर आप विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं तो। फिर उसके बाद में बेडरूम में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। कई बार लोग अपने बेड के नीचे ही झाड़ू को छुपाते हैं, झाड़ू रखते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी रूठ जाती है और चली जाती है, पति पत्नी में झगड़ा होने का संभावना होता है। इसलिए कभी भी बेडरूम में झाड़ू बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए। सोते समय बिस्तर के नीचे ये कुछ चीज़ें हैं, इसको कभी भूल से भी मत करिएगा।